पुत्रों के साथ मध्यकाल में जो कला एवं संस्कृति चल रही थी आपका 1500 से लेकर 1750 तक, इस कला संस्कृति में आपका स्थापन वास्तुकला चित्रकला एवं संगीत, इन तीनों के बारे में एक ब्रीफ आप लोगों के लिए दिमाग में डालूंगा कि किस प्रकार से शासक लोग प्रश्रय दे रहे थे और साथ साथ इनको बढ़ावा मिल रहा था, है ना। अगर हम बात करें शासन के क्षेत्र में मौल की शुरुआती काल से शेरशाह सूरी से, तो शेरशाह सूरी ने स्थापत्य और के संदर्भ में काफी काम किया। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ग्रैंड ट्रंक रोड है सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे आज में नियम माना जाता है जीटी गन्ना रोड, वो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। शेरशाह सूरी के पश्चात हुमायूं आए, बाबर आए, इन लोगों ने इतना ज्यादा काम नहीं कर पाया, लेकिन अकबर के काल से स्थापत्य कला को एक नई दिशा नई गति मिल गई थी। स्थापत्य के क्षेत्र में इन शासकों ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके महत्वपूर्ण कारण ये थे कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक राज्य को स्थिरता प्रदान हो गई थी, और स्थिरता प्रदान होने के कारण राज्य के पास एक आय का स्रोत बन गया था, राज्य का फैलाव होता जा रहा था, अधिकांश मात्रा में टैक्सेस मिल रहे थे। ये जो कारण थे इन्होंने इन्वेस्टमेंट के रूप में आपका वास्तुकला को काफी प्रश्न प्रदान किया। वास्तुकला के क्षेत्र में आकर विभिन्न चीजें सिर्फ लाल किला आपका दिल्ली और आगरा, आगरा और दिल्ली, ठीक है, आगरा का किला बनवाया था आपका अकबर ने और दिल्ली का बनवाया था आगरा किसने, शाहजहां, ठीक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो शेरशाह द्वारा काम किया गया शाहजहां द्वारा वो था आपका ताजमहल। ये हमारे दुनिया के साथ युग में भी माना जाता है, काफी अच्छा काम था उस समय काल में, महंगा भी था, है ना, लेकिन अच्छा काम था। इसके साथ साथ फतेहपुर सीकरी में जो मस्जिद बनवाई गई, अजमेर शरीफ, ये सारे जो काम थे, तुरंत दरवाजा, ये अकबर ने अपने समय काल में करवाया। वास्तुकला को एक नई दिशा दी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इंडो इस्लामिक शैली है उसको महत्वता प्रदान की। इंडो इस्लामिक शैली मतलब हिंद और मुस्लिम शैली, दोनों शैलियों का जो मिश्रण था, आज भी हम जितने भी देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे जो शासक थे राजपूत शासक थे उनसे क्या होते हैं कुछ तत्व लिए गए जिससे कि उन्होंने अपने उसमें काम किया। अगर हम देखें राजपूत समाज बड़े राजस्थान में देखें वहाँ पर अजमेर आपका अजमेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जयपुर हो गया, यहाँ पर भारी अच्छी मात्रा में बड़े बड़े किले और महल बनाए गए थे, है ना। तो ये जो चीज थी इस समय काल में वास्तुकला को काफी महत्वता प्रदान की जा रही थी इस समय काल में, क्यों, क्योंकि राज्य में स्थिरता थी, व्यापार भी ठीक ठाक हो रहा था, टैक्स मिल रहे थे, जमींदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था अपने चरम पर थी, टैक्स भी ठीक ठाक मात्रा में लगते थे और राजाओं की रुचि भी थी। ये अपने आप में एक प्रतिष्ठा का घोटा हो जाता था जब शासक अपना कोई महल इत्यादि बनवाता था कि भाई पुराने राजा ने ये महल बनवाया, इतना खर्च किया, उससे डबल महल खर्च करो। ये जो घोड़ लगी रहती थी महल बनाने में, वास्तुकला को बनाने में, ये क्या होते इस समय काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। यह नहीं कि इस काल में सिर्फ मुगल शासकों द्वारा काम किया गया, जो भी क्षेत्रीय शासक हुआ करते थे इस समय काल में, राजपूत शासक हो गए, हिमाचल के शासक हो गए, नॉर्थ ईस्ट के शासक हो गए, इन सब ने भी अपने इस समय काल में वास्तुकला को लेकर काफी ज्यादा प्रश्न प्रदान किया। जैसे जो लाल किला है, बलुआ पत्थर है आपका, सबसे ज्यादा आपका मथुरा और धौलपुर से मंगाया जाता था, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की प्रचुरता बहुत थी और प्रचुरता के साथ साथ यहाँ पर श्रमिक वर्ग भी कुशल और दक्ष था, इसलिए इन लोगों को वास्तुकला के निर्माण में काफी सहायता प्रदान की गई, है ना। इसके साथ साथ हम आते हैं आपकी चित्रकला के निर्माण। चित्रकला अपने आप में शासन को एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चित्रकार तो हर समय काल में होते हैं, कई चित्रकार अपना स्वयं वर्क करते हैं, कई चित्रकार राज्य के संरक्षण में वर्क करते हैं। तो जो चित्रकार का थी ये जो मुगल शासक थे या मुगल शासक के अलावा भी मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, इस शैली में भी चित्रकारियां हो रही थी, मतलब क्षेत्रीय चित्रकारी और मुगल चित्रकारी, ये साथ साथ चलने वाली आपकी व्यवस्था थी। इस समय में हम देखें अब्दुल मसूद अली मंसूरी, है ना, और आपका क्या बोलते हैं फरीद और मियां हसन, ये जो सारे लोग थे चित्रकार मुगल दरबार में चित्रकार हुआ करते थे। और चित्रकारिता के क्षेत्र में भी हम देखें
तो वो मुगल शासकों ने बड़ी अच्छी तरीके से पेंटिंग करवाई है और उन्होंने पेंटिंग्स को एक तरीके से लाइव पेंटिंग के रूप में भी दिखाया है। और इसके अलावा उन्होंने राजा को एक मतलब अलग दर्जा दिया गया है वहां पर, डिवाइन डिवाइन पेंटिंग मतलब डिवाइन पेंटिंग मतलब शासक को एक अलग पौधा प्रदान करके उस पेंटिंग्स को बढ़ाया गया है। जैसे कि इस समय सवाल में देखें थोड़ा सा तो आपको मैं बताता हूँ, इस समय काल में जो चित्रकला की जा रही थी इसमें अलग अलग प्रकार की चित्र करते थे। अब क्या हो कि राजा लोगों ने खुद भी चित्र बनवाना शुरू कर दिए है ना, खुद के अपने बढ़िया आभूषण पहनकर वस्त्र पहनकर ठीक है, किसी गर्दन काटते हुए, किसी को निर्देश देते हुए, कोई कोर्ट में सब किसते नहीं भाई, कोई सेमिनार चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है तो हम फोटो खींच लेते हैं। तो इस प्रकार की पेंटिंग उस समय पर करवाना शुरू कर दिया था राजाओं ने, अपने एक तरीके से पांडुलिपियां बनाना शुरू कर दिया था, रजनामा हंसनामा ये सारी जो पेंटिंग थी इस समय काल में लोगों ने बढ़ावा देने की कोशिश की, जिससे कि क्या हुआ कि राजा की जो तस्वीर है बस एक आम जन में क्या होती है संदेश प्रदान करे है ना, तो वही संदेश आगे चल दिया आपका राजा को एक डिवाइन अथॉरिटी मतलब एक देवी शक्ति प्रदान कर रहा था कि राजा कितना मजबूत है, राजा के बगल में कौन बैठा है, राजा कितना कितना दयालु है, कितना कृपालु है, राजा फैसला सुनाते हुए डिसीजन दे रहा है, राजा किसी का मतलब गर्दन काटते हुए किसी को सजा देते हुए भी दिखाई दे रहा। तो ये जो चित्रकला था इस समय काल में काफी बड़ी मात्रा में फैली हुई, लेकिन जो मुगल पेंटिंग्स थी ये आपका कोर्ट इर्द गिर्द थी, हालांकि नेचुरल पेंटिंग भी की जा रही है फूल पत्तियों इत्यादि की, लेकिन इसके अलावा भी शासक लोग अपने से केंद्रित मतलब पेंटिंग्स करवा रहे हैं। और इसके अलावा आपको एक चीज और देखने को मिलेगी यहाँ पर कि जो क्षेत्रीय चित्रकला है जैसे कि बूंदी झालवाड़ मेवाड़ धारवाड़ और आपका कांगड़ा शहरी, ये जो चित्रकारियां हैं इसमें क्षेत्रीय चित्रकारी है, तो क्षेत्रीय जो शासक है वो इन चित्रकारों को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब इनमें कुछ अलग चीजें हैं, अलग चीजें इस प्रकार की बूंदी की आप पेंटिंग देखेंगे तो बूंदी या मतलब बार बार में तो महिलाओं को आधी फेस दिखाई जा रही है, मतलब सुंदरता को उन्हें बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन मुगल पेंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, ये शासक के दरबार से केंद्रित चित्रकला है ना, इससे क्या होता है देखने को मिला कि शासक अपने प्रति या अपने को ज्यादा उभारने की कोशिश कर रहा है पेंटिंग्स के द्वारा। इसके साथ साथ अगर संगीत के क्षेत्र में देखें तो आप अकबर के दौरे हुआ करते थे जिसमें तानसेन भी हुए, तो चित्रकारी के साथ साथ आप संगीत के क्षेत्र में भी जो राजा को संरक्षण रहा है, राजा की रुचि रही है उसको भी हम बड़ा चढ़ा के देखने को मिलता है, शासक किस प्रकार संगीत के क्षेत्र में संरक्षण प्रदान कर रहा है, संगीत के प्रति खुद भी क्या होते काफी मतलब वजह से है खुद भी क्या होते उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे कि हम देखने के काल में जहांगीर एक अच्छा संगीतकार था, जहांगीर ने कुछ पेंटिंग संगीत की संगीत के लिए क्या होते काफी प्रेशर प्रदान किया और काफी कुछ लिखा भी संगीत क्षेत्र में है ना, उसके अलावा अलग अलग दरबार अलग अलग संगीतकार हुआ करते थे जो कि राज दरबार हो गया तानसेन द्वारा लिखे गए है ना, कई सारे तमाम प्रकार के संगीत थे जो कि उस समय काल में बनाए गए। तो ये जो समय काल था आपका 1500 से 1750 का ये क्रिएटिविटी का भी काल था, रचनात्मकता का काल था, क्यों? क्योंकि इस काल में मुगल साम्राज्य को एक मजबूती मिली, मजबूती के साथ साथ आय में स्थिरता आई और शासन सत्ता का जो एक महिमा मंडन करना था इस समय काल में होता दिखाई पड़ रहा है। इसलिए देखें भारत में देखें हमारे जो लाल किले हैं आगरा का लाल किला ये काफी बड़ी मात्रा में बड़ी अच्छी तरीके से बनवाए गए है ना, बिल्कुल नियमित तरीके से जो कि होता है भाई बनवाया है ना, तभी तो 7 जून में एक बना जाता ताजमहल आगरा का। तो ये जो राजा का एक इंटरेस्ट होता था इस समय काल में काफी बढ़कर के सामने आया, वो सामने आने का कारण भी था कि भाई वो अपने आप को भारत का शासक बोलते थे है ना, भारत का शासक मानते थे, भारत का शासक मानने का मतलब है कि आपको एक केंद्रीय सत्ता की जो आपको उपाधि है वो प्राप्त हुई है, तो वह केंद्रीय सत्ता आपकी ऐसे नहीं कि सिर्फ सिंपल चीजों से चलेगी, आपको कुछ बड़ा करके दिखाना होगा लोगों के लिए है ना। दूसरी जो वास्तुकला थी लाल किला और आपका क्या बोलते सबसे जामा मस्जिद जो कि शाहजहां ने बनाई थी, ये काफी बड़ी जामा मस्जिद है जब है ना, मोदी मस्जिद जामा मस्जिद ये सारी जो चीजें हैं फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा ये ऐसी बुलंद दरवाजा कब बनवाया था, गुजरात विजय प्राप्त कर ली थी अकबर ने,
उसके बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। तो ये जो चीजें राजा अपने आप को एक तरीके से क्या बोलेंगे उसके लिए चैलेंज देने के लिए भी काम कर रहा है ना, अपने आप की शक्ति को दिखाने के लिए बुलंद काम कर रहा है कि भाई मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। ये जो चीजें हैं इस समय काल में हमें दिखाई पड़ती है। कला संस्कृति से ही हम शासक के शासन की जो संपन्नता संप्रभुता का भी अनुमान लगा सकते हैं। अगर जो कमजोर शासक होगा या शासन में अस्थिरता होगी तो हमें उस समय काल में ज्यादा वास्तुकला वास्तुकला दिखाई नहीं पड़ेगी। ये सब चीजें क्या होती है, मान के चलिए आप घर में हैं, आपके यहाँ परेशानी है तो आप सोचेंगे कार लेके आने की, घर बनवाने की नहीं सोचेंगे। आप तब सोचेंगे जब आपके पास बढ़िया से पैसे आ जाए, बढ़िया से नौकरी लग जाए आपकी, तभी आपके दिमाग में आएगा ना कि हमको घर बनवा लूँ, हम गाड़ी ले लूँ। इस समय पे ये भी माना जाता है जो मुगल शासन था या इसी तरह जो शासन काल था काफी संपन्न था, है ना। संपन्नता के साथ साथ ये अपने आप को अलग अलग तरीके से उबालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, है ना। ये जो कला संस्कृति का मेरे को बताने का मतलब था, स्थापत्य वास्तुकला तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको मैं पूरे तरीके से आपको एक जो मैसेज था वो बताना चाहता था कि इस समय काल में इन चीजों को भी संरक्षण दिया गया, जिससे कि क्या हुआ कि शासन वर्ग को अपना एक भारत में केंद्र सत्ता थी देवी सत्ता मान जाती थी उनकी, ठीक है, उसको दिखाने में उनको चैलेंज करने में उनको कोई सामने ना आए, है ना, कोई अन्य शासक चैलेंज ना करे। मान के लाल किला बना दिया, अब किस शासक की हिम्मत है कि उसके बराबर लाल किला बना दे, है नहीं किसी वजह से, मतलब नहीं पावरफुल। ये था ये मीनिंग हुआ करते थे, इसलिए ये रुचि पर निर्भर करता था राजा की रुचि कैसी है, सुनने वाला है खाना नहीं सुनने वाला है, औरंगजेब था उसे पसंद नहीं था ऐसी चीजें, उसने कभी इसको प्रमोट नहीं किया, लेकिन जो जहांगीर था वो पेंटिंग को ही पसंद करता था और संगीत को ही पसंद करता था, तो उसने इन चीजों को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की और उसने अपने दरबार में काफी चित्रकार भी रखी, संगीतकार भी रखे, है ना। ये जो समय काल था आपका कला संस्कृति का मध्यकालीन काफी समय पर मैच्योर अवस्था में रहा और काफी लंबे समय तक इसमें बढ़िया संपन्नता दिखाई पड़ती।